और पुरंदर मिश्रा जी का ये है कि अभी आए हैं और उनको मतलब थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है लोगों का, जहाँ जहाँ जा रहे हैं हम देख रहे हैं उनको अच्छा जन समर्थन है, तो ऐसा लगता है कि वो इस बार निकाल लेंगे, क्योंकि रायपुर क्षेत्र का तो भाजपा ही जीतेगा चारों, मेरे को लग रहा है बीजेपी नो डाउट वन साइडेड। दो कौन से पार्टी का जोर है उत्तर विधानसभा क्षेत्र में, किस पार्टी का जोर है? इधर तो कमल छाप गई है। कौन पार्टी जीतेगी उत्तर विधानसभा में? भाजपा। यहाँ से इस बार बीजेपी पार्टी जीतने का अधिक चांस है, तो इसलिए मुझे लगता है कि जीतेगी तो कांग्रेस ही। अभी उत्तर विधानसभा में अभी ये है कि जैसे पुरंदर मिश्रा अभी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो बीजेपी की जो पार्टी है उसके आधार पर एक बार जीत सकते हैं। छत्तीसगढ़ आपने देखा था न्यूज 72 और मैं हूं सौरभ नायक। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में चुनावी घमासान काफी तेज हो गया है, क्योंकि चुनाव की तिथि भी घोषणा हो चुकी है। 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होंगे, उससे पहले पहले चरण का चुनाव होगा 7 नवंबर को। तो लगातार न्यूज 72 की टीम पहुंच रही है हर विधानसभा क्षेत्रों में और जान रही है लोगों के बीच जनता क्या सोच रही है। हम पहुंचे रायपुर के उत्तर विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर दोनों ही पार्टियों ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने पुरंदर मिश्रा जी को प्रत्याशी बनाया यहां पर, और कांग्रेस ने कुलदीप जुनेजा जी पर फिर से भरोसा किया है। तो आइए हम जानते हैं जनता क्या सोच रही है दोनों प्रत्याशी को लेकर और किसे इस बार विधायक बना रही है। जय जोहार छत्तीसगढ़, आप मन देखा तो न्यूज 72, मैं हूँ हरिबंधु नायक। आज हम उत्तर विधानसभा क्षेत्र में आए हुए हैं और लोगों से जान रहे हैं लोगों का रुझान कैसा है। यहाँ पर कांग्रेस से फिर से दिलीप जुनेजा पर आस्था व्यक्त की है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पुरंदर मिश्रा जी को बनाया गया है। क्या लग रहा है भैया इस बार विधानसभा चुनाव में? बीजेपी नो डाउट वन साइडेड, भाजपा की ही सरकार है पक्का। बताइए आप। मेरा नाम शुभम लाखाणी है, अभी मैं कॉलेज में हूँ, इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। हम क्या दुरुक में पढ़ते हैं, हम अप डाउन कर रहे हैं, 5 साल में हमने वो ब्रिज बनते नहीं देखा है। वो तो चुनाव आ रहा है तो लग रहा है लीपा पोती करके बन जाएगा। हर रोड में एक गड्ढा है, चाहे रायपुर में या दुर्ग में, कोई काम ही नहीं हो रहा है तो सब तो बदलेंगे ही। कानून व्यवस्था को किस रूप में देखते हैं आप लोग? कानून व्यवस्था है भी और नहीं भी, लेकिन सामने वाला कौन है उसके ऊपर होता है। गुनहगार नहीं पकड़ा रहा है, नाम से देखा जा रहा है। हमें अच्छी लगी कानून व्यवस्था, अच्छी थी। हम जितना मतलब देखे हैं, एक आध दो बार गए थे पुलिस थाना, तो हमारा मतलब बराबर कार्रवाई हुआ था जो हमारा रिपोर्ट। राजधानी में कानून व्यवस्था कैसी है? अगर आप जान पहचान में हैं तो फिर ठीक है, बाकी अगर आपका कोई बड़ा क्राइम है तो उसके लिए हो रही है, छोटी मोटी के लिए कोई ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा। क्या लगता है सरकार किसकी आएगी? बीजेपी। बीजेपी और क्षेत्र में उत्तर विधानसभा से किसकी बढ़त मिलेगी, किस पार्टी को? क्या लगता है? भाजपा की ही मिलनी चाहिए, क्योंकि रायपुर क्षेत्र का तो भाजपा ही जीतेगा चारों, मेरे को लग रहा है। नहीं पता मेरे को। क्या लगता है इस बार? बीजेपी। उत्तर से कौन है प्रत्याशी? बीजेपी ही होना चाहिए। हम यहाँ अमृत तुल्य चाय वाले से जानेंगे, लोग यहाँ पर चाय पीकर बताते हैं, आपकी चर्चा करते हैं किस प्रकार से यहाँ पर किस पार्टी की बढ़त मिलेगी। नाम बताइए भैया, थोड़ा अपना परिचय देकर बताइए क्या चल रहा है यहाँ पर राजनीति। मेरे नाम निवास है। लोग आकर यहाँ पर चर्चा करते हैं, राजनीति का अड्डा होता है, चाय ठेला, पान ठेला, चाय की दुकान, अमृत तुल्य चाय, यहाँ पर कैसे बातें करते हैं, कौन से पार्टी की बढ़त होगी यहाँ उत्तर विधानसभा क्षेत्र में? मैं ये सब नहीं जानता हूँ। इस बार कैसा माने रुझान है लोगों का, आप लोगों के बीच में युवा साथियों का रुझान क्या? हम शहर में रह रहे तो शहर का देखते हैं कि कौन सा पार्टी, लेकिन कांग्रेस जो है वो ग्रामीणों के लिए बहुत करा है उन्होंने, तो ग्रामीणों का उन्होंने कैप्चर करके बहुत ज़्यादा रखा है वोट सिस्टम, तो इसलिए मुझे लगता है कि जीतेगी तो कांग्रेस ही। अभी उत्तर विधानसभा क्षेत्र में हिंदी नहीं पता तो सभी को लगा तो दुनिया में डालना ही डालना है। कौन से पार्टी का जोर है इधर? पार्टी का नाम तो नहीं लेंगे जी, मगर जिसको देना है तो आप किसी को भी वोट दो। कौन से पार्टी का जोर है उत्तर विधानसभा क्षेत्र में, किस पार्टी का जोर है? इधर तो कमल छाप का ही है, कमल छाप का है भाजपा। क्या परिचय? जितेंद्र मानंद, न्यू शांति नगर गोरखा कॉलोनी एड्रेस है, जितेंद्र मानंद। जितेंद्र
वाहनी। उत्तर विधानसभा क्षेत्र में हम आए हुए हैं, हम यहाँ के युवाओं से जानेंगे क्या रुझान है भैया यहाँ उत्तर विधानसभा में। रुझान ऐसा है कि पिछले 5 वर्षों से उत्तर में कोई काम नहीं हुआ, अब चुनाव के चक्कर में अभी बिल पास हो रहे हैं वो हम देख रहे हैं, क्योंकि हम थोड़े पढ़े लिखे हैं तो ये सब समझते हैं स्टंट पॉलिटिकल, और यहाँ पर जितनी क्राइम बढ़ी तेजी से वो तो शायद ही पिछले कई वर्षों से आज तक ऐसा देखने नहीं मिला था, बलात्कार उसके बाद लूट चाकूबाजी सट्टा जुआ ये सब परमिशन जो मिल रहा है प्रशासन की तरफ से ये कोई ना कोई उनके बड़े नेता कोई कोई करवाता है, ये सब बहुत देख चुके हैं। हालांकि कुलदीप जुनेजा जी का एकदम शांत स्वभाव है लेकिन काम किस उसने कुछ नहीं किया है, और पुरंदर मिश्रा जी का ये है कि अभी आए हैं और उनको मतलब थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है लोगों का, जहाँ जहाँ जा रहे हैं हम देख रहे हैं उनको अच्छा जन समर्थन है, तो ऐसा लगता है कि वो इस बार निकाल लेंगे। अपना परिचय। मैं जय कुमार तांडी शंकर नगर से। का क्या चल रहा है भैया, क्या है जोर, किस पार्टी? भाई मैं तो राजस्थान से हूँ। नाम नाम करने आया है यहाँ, आओ बताइए, देखते होंगे आप। दोनों का तो 50-50 चल रहा है फिलहाल तो। पुरेंदर जी का मेरे को लगता है इस बार आ सकते हैं, क्योंकि पिछले 5 साल में हमारे पूर्व विधायक जी तो उतना कुछ काम किए ही नहीं है, तो इस बार मेरे को लग रहा है पुरेंदर जी आएंगे। अपना परिचय। मेरा नाम शेखर हरपाल है, यहीं से उत्तर विधानसभा से हूँ। कौन खड़ा है भाजपा से? प्रसादू मिश्रा। प्रसादू मिश्रा। क्या नाम है? रोहित निर्मलकर। कौन पार्टी जीतेगी उत्तर विधानसभा में? भाजपा। इस बार क्या लग रहा है इधर से, कौन जीतेगी, कौन सी पार्टी जीतेगी? यहाँ से इस बार बीजेपी पार्टी जीतने का अधिक चांस है। यहाँ के हम व्यापारी भाई से जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? पंजुमल चादीजा। क्या लगता है इस बार उत्तर विधानसभा में क्षेत्र की जनता क्या सोच रही है? उत्तर विधानसभा में अभी ये है कि जैसे पुरंदर मिश्रा अभी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो बीजेपी की जो पार्टी है उसके आधार पर एक बार जीत सकते हैं।